राज्य अभिषेक की तैयारी है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिजनौर से है। किसानों के उत्पीड़न को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ है। गुस्साए किसान कलेक्ट्रेट का गेट तोड़कर घुस गए हैं। ये मामला थाना कोतवाली के शहर कलेक्ट्रेट का है। ये तस्वीर बिजनौर की है। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है और ये भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन था। यहाँ पर किसानों के उत्पीड़न को लेकर ये प्रदर्शन था। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है। भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ना ये बिजनौर की है। किसानों के उत्पीड़न को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीरें आप बिजनौर की देख रहे हैं। ये कलेक्ट्रेट के पास की तस्वीरें हैं, बिजनौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास की। पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की हुई है। सीधी तस्वीरें बिजनौर की। सरफराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज, ये किस बात को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे जो हिंसक रूप ले लिया? बड़ी बेशर्मी की बात है कि पिछले एक हफ्ते पहले थाना कोतवाली देहात बिजनौर में पड़ता है, यहाँ पर थाने के अंदर से एक किसान का ट्रैक्टर चोरी हो गया था, उसी को लेकर के जो है किसानों ने आज धरना दिया है। और इसी धरने को लेकर के काफी धक्का मुक्की पुलिस से हुई है और उसके बाद तीखी नोकझोंक हुई है। उनका ये कहना है कि जो आरोपी हैं, जो थानेदार हैं, जो दरोगा हैं, उन पर कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। कितनी बेशर्मी की बात है कि थाने के अंदर से ट्रैक्टर चोरी हो जाता है और पुलिस जो है सोती रहती है। बड़े अफसोस की बात है। इसको लेकर के जो है आज कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन फिलहाल जारी है और पुलिस और किसानों की जो है तीखी नोकझोंक अभी भी जारी है। राहुल, लाठीचार्ज भी हुई है? देखिए, लाठीचार्ज तो नहीं हुई लेकिन धक्का मुक्की जरूर हुई है। और उनका ये कहना है जो आरोपी है, जो जो इंस्पेक्टर है, जो दारोगा है, जो जिनकी कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको जो है सस्पेंड किया जाए और जो उनका ट्रैक्टर है। हर बात ये कि नहीं, किसानों की तरफ से भी तो कलेक्ट्रेट का गेट तोड़कर वो आगे बढ़ना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, जो कलेक्ट्रेट का गेट है वो जो जानवर वो वहाँ पर उन्होंने जो है अपने छोड़ दिए हैं। जानवर के साथ साथ जो ट्रैक्टर डाली है, सैकड़ों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन के लोग वहाँ पर मौजूद हो गए हैं। उनका यही कहना है जो हमारा ट्रैक्टर है किसान का, वो गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है और उसके ट्रैक्टर चोरी हो गए, लेकिन अब तक ना तो ट्रैक्टर ही मिला और ना ही चोर अभी तक जो है। चलिए ठीक है, संजीव त्यागी जी पुलिस अधीक्षक है बिजनौर के, वो हमारे साथ ऑन एयर है। संजीव जी, आप ऑन एयर है भारत समाचार पर, वहां पर हुआ क्या, क्यों किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों को रोकना भी पड़ा, हाथापाई हुई है? किसान यूनियन के जो जिला अध्यक्ष हैं जी, उनको अपने ही गुट के जो विरोधी कुछ लोग हैं उन्होंने उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। ठीक है, उस मुकदमे को ये दबाव बना के खत्म करवाना चाहते हैं। कौन लोग, जरा क्लियर बताइए, ये लोग समझे, जरा जनता भी समझे। बताया तो है जो जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। अच्छा, वो FIR खत्म करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं। अब वो दबाव बनवाना चाहे, उसके लिए अब इन्होंने बताया है कि हम धरना दे रहे हैं। मुद्दों की अगर कोई बात है तो वो हमको ज्ञापन दें, हम उस पर कार्रवाई करवाएं, लेकिन वो ज्ञापन तो कुछ दे नहीं रहे हैं। ये जो सब झगड़ा वगड़ा करवा रहे हैं ये सब अपना वो दबाव बनाने की वो है। बाकी अगर इनकी कोई शिकायत है जेन्युइन, जैसे ये बता रहे हैं कि एक ट्रैक्टर चोरी हुआ है, उसके लिए टीम लगी हुई है, उसमें उस केस को वर्कआउट करने के लिए भी टीम लगी हुई है अब, लेकिन ये जो झगड़ा है, इस झगड़े का कोई औचित्य तो है नहीं। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट दें या अपना कोई ज्ञापन दें तो उस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी अगर इनकी कोई जेन्युइन समस्या है। यानी संजीव त्यागी पुलिस अधीक्षक की बात माने तो FIR जो हुई थी उस पर दबाव बना रहे खत्म करने के लिए आप पर, आपकी पुलिस पर, और दूसरी बात ट्रैक्टर चोरी हुआ है उसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये दो बात। इनके 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 अपने कोई और मुद्दे हैं जिनको ये ज्ञापन देना, अब ज्ञापन देने की बात चल रही है तो अभी वो क्या ज्ञापन में ये शिकायतें अपनी बताएंगे वो भी पूछी जाएंगी, उनमें भी कार्रवाई करवाई जाएगी। चलिए, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। समय कम है संजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। भारत समाचार पर SP संजीव त्यागी ने यह बताया कि ट्रैक्टर चोरी का मामला था और FIR से नाम हटाने को लेकर इस तरह का प्रदर्शन किया गया है किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष द्वारा। रामाज्ञा ग्रुप की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और BJP के